ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे एक ऐसे महादेव के धाम के बारे में जहां पे जाने की हिम्मत इंसान सिर्फ एक ही बार कर सकता है। सब कहते हैं कि अमरनाथ की यात्रा सबसे मुश्किल है, लेकिन हम आपको बता दें कि किन्नर महादेव की यात्रा मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा खतरनाक और मुश्किल है। इस यात्रा के लिए तो यहां तक कहते हैं कि महादेव के इस धाम में जाने की इंसान एक ही बार हिम्मत कर पाता है पूरी जिंदगी में। तिब्बत स्थित मानसरोवर कैलाश के बाद किन्नर कैलाश को ही दूसरा बड़ा कैलाश पर्वत माना जाता है। सावन का महीना शुरू होते ही हिमालय की खतरनाक कही जाने वाली किन्नर कैलाश यात्रा शुरू हो जाती है, हिमाचल की। एक्चुअली यहां की जो यात्रा है वो बेहद खतरनाक है। इस यात्रा के बारे में कहा जाता है कि इस यात्रा को अपने जीवन काल में आदमी एक ही बार करने की हिम्मत जुटा पाता है। इस स्थान को भगवान शिव की शीतकालीन प्रवास स्थल माना जाता है। किन्नर कैलाश सदियों से हिंदू और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए आस्था का केंद्र है। इस यात्रा के लिए देश भर से लाखों भक्त किन्नर कैलाश के दर्शन के लिए आते हैं। किन्नर कैलाश पर प्राकृतिक रूप से उगने वाले ब्रह्म कमल के हजारों पौधे देखे जा सकते हैं। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 24,000 फीट है। भगवान शिव की तपोस्थली किन्नौर के बौद्ध लोग और हिंदू भक्तों की आस्था का केंद्र किन्नर कैलाश समुद्र तल से 24,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। किन्नर कैलाश से शिवलिंग की ऊंचाई 40 फीट और चौड़ाई 16 फीट है। हर वर्ष सैकड़ों शिव भक्त जुलाई व अगस्त में जंगल व खतरनाक दुर्गम मार्ग से होकर किन्नर कैलाश पहुंचते हैं। अब हमको बताएंगे कि इनकी यात्रा कहां से शुरू होती है। गणेश पार्क से करीब 500 मीटर की दूरी पर पार्वती कुंड है। इस कुंड के बारे में मान्यता है कि इसमें श्रद्धा से सिक्का डाल दिया जाए तो मुराद पूरी हो जाती है। भक्त इस कुंड में पवित्र स्नान करने के बाद करीब 24 घंटे की कठिन राह पार कर किन्नर कैलाश स्थित शिवलिंग के दर्शन करने पहुंचता है। वापस आते समय भक्त अपने साथ ब्रह्म कमल और औषधीय फूल प्रसाद के रूप में लाते हैं। 1993 के आसपास यहां की यात्रा शुरू हुई थी। 1993 से पहले इस स्थान पर आम लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध था। 1993 में पर्यटकों के लिए खोल दिया गया जो 24,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहां 40 फीट ऊंचा शिवलिंग है। यह हिंदू और बौद्ध दोनों के लिए पूजनीय स्थल है। इस शिवलिंग के चारों ओर परिक्रमा करने की इच्छा लिए हुए भारी संख्या में श्रद्धालु यहां पर आते हैं। यहां पर अनेक मान्यताएं प्रचलित हैं। किन्नर कैलाश के बारे में जो विद्वान लोग कहते हैं वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। कुछ विद्वानों के विचार में महाभारत काल में इस कैलाश का नाम इंद्रकील पर्वत था। यहां भगवान शंकर और अर्जुन का युद्ध हुआ था और अर्जुन को पाशुपतास्त्र की प्राप्ति हुई थी। पाशुपतास्त्र यह भी मान्यता है कि पांडवों ने अपने वनवास काल के अंतिम समय यहीं पर गुजारा था। कहते हैं कि भस्मासुर का अंत भी यहीं हुआ था। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां का जो शिवलिंग है वो रंग बदलता है। शिवलिंग की एक चमत्कारी बात यह है कि दिन में कई बार यह रंग बदलता है। सूर्योदय से पूर्व यह सफेद होता है, सूर्योदय होने पर पीला, मध्यकाल में लाल हो जाता है और फिर क्रमशः पीला सफेद होते हुए संध्या काल में काला हो जाता है। क्यों होता है ऐसा, इस रहस्य को अभी तक कोई नहीं समझ सका है। किन्नौरवासी इस शिवलिंग के रंग बदलने को किसी दैविक शक्ति का चमत्कार मानते हैं। कुछ बुद्धिजीवियों का मत है कि यह एक अस्फटिकीय रचना है और सूर्य की किरणों के विभिन्न कोणों में पड़ने के साथ यह चट्टान रंग बदलती नजर आती है। यहां का परिक्रमा भी बहुत खतरनाक है। किन्नर कैलाश को हिमाचल का बद्रीनाथ भी कहा जाता है और इसे रॉक कैसल्स के नाम से भी जाना जाता है। इस शिवलिंग की परिक्रमा करना बड़े साहस और जोखिम का कार्य है।
कृषि वक्त जोखिम उठाते हुए स्वयं को रस्सियों से बांधकर यह परिक्रमा पूरी करते हैं। पूरे पर्वत का चक्कर लगाने में 1 सप्ताह से 10 दिन का समय लगता है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।